किचन की मां बहन कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। आज हम ब्रेकफास्ट नहीं टेल का ब्रेकफास्ट बनाएंगे। लिसनिंग टू ओल्ड बॉलीवुड। तो मैं पंचर कर दूं। मैं तो पकड़ लेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं अभी उठा हूँ। मैंने अभी अपना मुंह धोया है, आइसिंग करी है, और क्या क्या कर रहा है रुको मैं सोचता हूँ। यस मैंने सोच लिया, मैंने अपना मुंह धोया है, मैंने आइसिंग करी है, मैंने अपना वेट चेक इन करा है बिकॉज आई एम ऑन अ डाइट राइट नाउ। I am on a deficit diet and right now we are making breakfast and आज हम breakfast नहीं तेल का breakfast बनाएंगे। तेल का omelette बनाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं किचन की मां बहन कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी दोस्तों। I'll tell you what I have for breakfast. मैं हर दिन एक ही चीज खाता हूँ। मैं एक चीज सालों साल खा सकता हूँ। लाइक मैं ब्रेकफास्ट में सेम चीज खाता हूँ, मैं लंच में सेम चीज खाता हूँ, मैं डिनर में सेम चीज खाता हूँ। तो फॉर ब्रेकफास्ट आई एम मेकिंग अ चीज सैंडविच। बेवरेज में हम लोग पीते हैं स्मूदी, प्रोटीन स्मूदी, बिकॉज ये सब बनाना है ना दोस्तों, तो इन सब चीजों के लिए प्रोटीन और लगता है। तो हम लोग दो चीज स्लाइसेस डालते हैं क्योंकि पता नहीं ट्रेनर ने बोला है मानना पड़ता है। ऐसे मेरे को कुछ साइंस वाइंस नहीं पता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे ब्लॉग्स में आपको बहुत ही रीजनेबल एंड वो सारी चीजें सुनने मिलेगी कि ओ अच्छा दिस हेल्प्स इन दैट, दैट हेल्प्स इन दिस, सो दैट इज नॉट द केस। लाइट ऑन कर दो दोस्तों, बिजली का बिल आएगा तो डांट पड़ती है ज़्यादा आएगा। तो इस समय जैसे आप देख सकते हैं, मतलब देख तो नहीं सकते, मैं दिखाता हूँ, मैंने एक भी फ़ैन नहीं खोल रखा, कूलर ऑफ है, एसी ऑफ है। दैट इज़ पता नहीं मेरे को ना कभी कभार वो एक कामनेस जो जब कोई फ़ैन एसी लाइट पंखा कुछ नहीं चल रहा होता वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ, तो इसको ना चाइना बोल बोलते हैं, दिस इज़ अ मेडिटेशन बोल ऑल्सो। अगर इस कामनेस में ये बजे Yes. तो चलो यार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अभी मैं घर पर अकेला हूँ, मम्मी पापा भाभी भाग गए हैं काम से, मेरे दो भाई हैं बड़े वो ऑफिस गए हुए हैं। मैं तो ऑफिस जाता नहीं, मतलब ऑफिस नहीं जाता तो मेरा भी काम है, ठीक है। आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, ऐसा नहीं बेरोजगार समझे। अब मैं आपको अपने आगे के दिन के बारे में बताता हूँ। हम नहा चुके हैं और अब हम करेंगे स्किन केयर। सबसे पहले हम लगाते हैं टोनर, देसी जुगाड़ है गुलाब जल, गुलाब जल से बेटर कोई टोनर है नहीं। उसके बाद हम लगाते हैं विटामिन सी, थोड़ा इसका सूखने देंगे एक मिनट। अब हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। ऐसा कोई दोस्तों टैबू नहीं है, स्किन केयर सिर्फ लेडीज लोग ही कर सकते हैं। वाई शुड ओनली गर्ल्स हैव मॉइस्चर, व्हाई नॉट अस, राइट। स्किन का ध्यान नहीं रखेंगे तो SRK नहीं KRK बन जाएंगे, और KRK बनने का हमें शौक है नहीं। और अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या वेला आदमी है, कुछ कर नहीं रहा, कोई वीडियो नहीं बना रहा है। दोस्तों एक्चुअली आज मेरा वीडियो बनाने के लिए आज मेरा एडिटिंग और राइटिंग का काम है, तब मैं उस पर बैठ रहा हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो दोस्तों, तो अब हम जा रहे हैं, मेरा सारा काम हो गया है, एडिट हो गई, स्क्रिप्टिंग हो गई, अब जस्ट हम निकले जिम के लिए। और आज जो है हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, वरना तो हम लोग स्कूटी वूटी से ही जाते हैं। वैसे टेक्निकली आज स्कूटी से जाना चाहिए था क्योंकि बढ़िया मौसम हो रहा है बाहर, बट रिस्क नहीं लेना ना यार क्योंकि स्कूटी मेरी दो बार बारिश में ऑलरेडी स्लिप हो चुकी है, एंड मेरे को एक और बार रिस्क नहीं लेना। चलिए दोस्तों अब हम गाड़ी चलाते हुए ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे नहीं, कहीं पे मम्मी वह तो पकड़ लेंगे। तो जिम जाते ही हमने उठाया लोहा, हमने मारा बैक, हमने मारे बाइसेप, हमने मारा कोर, और भाई साहब हमारी धन्ना लुट गई, तो हमने सोचा चलो घर चलते हैं। एंड आज मुझे पता चला कि मेरी कोर स्ट्रेंथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, दो प्लैंक करे मेरी वाट लग गई। बाकी नाउ वी आर हेडिंग बैक होम। यार ये क्या बात होती है, मेरे घर के नीचे रोड़ी गाड़ी लगा देगा कोई, आज तो मैं पंचर कर दूं यार, मैं कहां लगाऊं गाड़ी। मतलब एक और राइट होना चाहिए, राइट टू स्पीच, राइट टू वोट, ये सारी चीजें है ना कॉन्स्टिट्यूशन में। एक राइट टू पार्किंग का भी होना चाहिए कि भाई जिसके घर की गाड़ी वो उसके घर के नीचे ही लगेगी। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दोस्तों गाड़ी पार्क कर दी गई है, अब बस घर जाएंगे, कॉफी वॉफी पियेंगे और कुछ शास्त्रीय गीत सुनेंगे ताकि हम अपने दिमाग को थोड़ा सा काम कर सके। इतना एड्रेनलिन इतना जोरदार वर्कआउट करने के बाद आपकी बॉडी को थोड़ा शांति चाहिए होती है, इसलिए अब हम थोड़ा शास्त्रीय गीत सुनेंगे। अभी घर पहुंचा था बट फिर निकल रहे हैं दोस्तों क्योंकि अब जाना है
बड़े भाई को मेट्रो स्टेशन से लेने। दिस इज वॉट पीपल डू वेन यू आर द यंगेस्ट एट होम। बाहर में गया तुम क्रिएटर हो, कौन हो है? तुम्हारे ऑलमोस्ट 200,000 फॉलोअर्स हो। वॉट मैटर्स इज घर का सामान लाओ, ए मेट्रो स्टेशन मुझे पिक करने। यही सब होता है दोस्तों। दिस इज द रियल मी, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ दैट इन द एंड फैमिली विल ट्रीट यू लाइक फैमिली। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। Stay grounded, stay humble. Also, my favorite thing to do while driving my car is listening to old Bollywood bangers. Kahan ho tum? Kahan ho tum? Yaar main tere. Kahan ho tum? Pahunch gaye metro station. तो अब मैं एक प्रेडिक्शन करने वाला हूँ कि मेरे भाई को ना बिल्कुल नहीं पसंद जब मैं उसको शूट कर रहा होता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक प्रेडिक्शन करने वाले कि जैसे मेरा भाई आएगा हम उसको शूट करेंगे। मैं अभी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि वो आता ही बोलेगा क्या क्यों शूट कर रहा है, एंड ही विल ट्राई टू पुट द कैमरा डाउन और डू समथिंग। लेट्स सी ठीक है, लेट्स सी मैं कितना जानता हूँ अपने घर वाले को। लेट्स सी गाइस, आ गया है बड़ा भाई। अब देखते, ओह माय गॉड, ही इज रियली पिस्ड। पता नहीं अभी से ही ही लुक्स काइंड ऑफ पिस्ड ऑलरेडी। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। लेट्स सी। हेलो, क्या कर रहे हैं? हेलो बोला था स्टार्ट करो। नहीं नहीं मत दिखाओ। तो गाइस दिस इज माय भाभी। हेलो करो, हेलो ये सब डालेंगे यार। ये ओ माय गॉड, फोर आर्म एक्सरसाइजेस चल रही है। अब बताओ मेरे बारे में कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग कितना अच्छा हूँ, एंड व्हाई एम आई द बेस्ट देवर इन द वर्ल्ड। हाई गाइस, ये जहाँ भी जाते हैं वहीं कचरा फैला के आ जाते हैं, अपनी निशानी छोड़ के आ जाते हैं इधर उधर। हमें समझ आ जाता है ये पक्का राघव भाई का काम है। Cut guys, cut. Tell me why am I the best ever again part 2. Because ये मेरे को शाम को cold coffee पिलाते हैं। Yes good. जब भी gym जाते हैं हर time पूछते हैं कि भी क्या लाऊं। Yes very good. Chocolates खिलाते हैं मेरे को। Very good. अभी के लिए तो इतना ही है। अभी के लिए तो इतने। List में जैसे जैसे update होगा वैसे वैसे आप लोगों को update करूँगी मैं। Yes. Thank you guys, that's been my time. तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं दुनिया की सबसे इन्फॉर्मेटिव एंड सबसे इंटेलेक्चुअल चीज जिससे आपका दिमाग खुलता है, एंड यू गेट टू नो अबाउट चैलेंजेस एंड द रियलिटी ऑफ लाइफ। ये देखो कोई चैंस से वीडियो मत बना देना। विमल बोलो सुबह तीसरी। ठीक है बातें करो। अरे BTS guys, BTS. अरे रंग उठा गया। Yes, so as I was saying, हम लोग देख रहे हैं एक बहुत informative, एक very उतार रखा है। Take three. तो जैसे मैं बोल रहा था कि हम एक बहुत informative, बहुत intellectual and बहुत ऐसी एक चीज देख रहे हैं जो हमारा दिमाग को खोलती है। एक ऐसी चीज जो हमारा ब्रह्मांड भर का दिमाग खोल देती है जिसका नाम है Splitsville दोस्त। It is really important. जिंदगी में कलेश कम नहीं जिस Splitsville, क्योंकि this teaches us something. Just beyond life. आप लोग किसको रूट कर रहे हैं? Please let me know. I am rooting for Arbaaz. अरब आ गया था डिनर का टाइम, जहाँ मेरे घर वाले ही है कचौड़ी सत्तू की है सब्जी पेल लेते, वहीं तुम्हारा भाई डाइट पर था, तो I had to eat my one roti and paneer. Cause games matter दोस्तों, मैं रो दूँगा। सब हो चुका है, खाना वाना हो चुका है। This is my personal wing line guys. Personal. हमारे घर में एक ही पर्सनल क्या होता है, बढ़िया। और हाँ, मेरे व्लॉग्स एंड करने की एक प्रथा है, शबा खैर। फीकी फीकी जिंदगानी भरते तू फागल लगे रंग सारे प्राण मेरे अंधी आरी कारी राते घर दे तू भूलन लगे उजी आरी जान मेरे प्राण मेरे।